बेटा एटीपी की पहली क्लास आज करने जा रहे हैं और हम ईयरली भी जाने जा ये भी स्टार्ट करना है हमने। तो मैं यहाँ पर किसी भी पेपर को स्टार्ट करता हूँ तो हम देखें एटीपी में हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर होता है। इस 60 मार्क्स में से ये पेपर जो हमारे पास P4 का 60 मार्क्स का पेपर होता है। इन 60 मार्क्स में से कुछ मार्क्स पक्के हैं। नंबर वन, एक मार्क आपके पास सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा जिसमें आयंस गैसेस के टेस्ट जो है वो आएंगे आपके पास, तकरीबन 10 मार्क का होगा ये। बस कभी कभी ये टेबल जो है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से रिप्लेस हो जाता है, वो इसी भी आसान है, ठीक है। उसके कलर चेंज आपने बताए थे, ओ गॉड प्लीज कम, तो उसी भी आसान हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन का क्वेश्चन जो है इटसेल्फ जो है तकरीबन आप समझ ले 15 से 18 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास वो आता है ग्राफ का, और ग्राफ का क्वेश्चन जो है मतलब अकाउंट्स का बच्चा जो होगा वो भी कर लेगा, बस 1-2 मार्क्स ट्रिकी होते हैं केमिस्ट्री के, बाकी सिंपल। ये 12 से 15 मार्क का ये पेपर होता है। अगर हम मिनिमल साइड पे जाएं तो आपके 37 out of 60 मार्क्स तो इधर ही हो जाते। तो आपको इन्हीं की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। तो अब जब आप पहला मॉक देंगे तो हर बच्चा जो काम कर रहा है साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा काम करना है, काम कर रहा है, तो उस हर बच्चे के 40 above तो लाजमी आने हैं, ठीक। और अक्सर बच्चे जो है ना पहली दफा में हो सकता है 50 क्रॉस कर जाए, तो इसको हमें लेके जाना है तकरीबन 55 से above। जब जाने शुरू हो जाएंगे साथ ही हम MCQ स्टार्ट कर देंगे। तो आज जो है हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं दैट इज टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टाइट्रेशन का क्वेश्चन जो है ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में आपको कुछ बता दें, और बताना ये था कि टाइट्रेशन एक टेक्निक है। टाइट्रेशन इज एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल का मतलब हो जाएगा आपके पास एनालिसिस। एनालिसिस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव जिससे आपको पता चलती है क्वालिटी, मतलब इसमें Rn2 है या नहीं है, क्लोराइड है या नहीं है, एंड एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव आपको क्या बताता है कि हाउ मच, एंड क्वालिटेटिव आपको बताता है कि व्हाट इज। तो ये दो तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो टाइट्रेशन जो है वो आपके पास इस केस में आती है। टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय अ रिएक्शन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंटेनर में टैप वाटर है। टैप वाटर जो है, दिस इज टैप वाटर, और आप जो है इसका देखना चाह रहे हैं इसमें पर्टिकुलर किसी आयन को, जैसे आप लोगों ने मिनरल वाटर की बॉटल पे देखा होगा उसमें आपको 7 pH नहीं मिलती, 7 point something मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें OH आयन को चेक करना है कि कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा इसमें से कुछ क्वांटिटी एक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दूंगा। इस फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद जब यहां पर OH आ जाएंगे तो मैं अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज करते हुए इसके ऊपर लगाऊंगा एक ब्यूरेट, और ब्यूरेट से वो चीज इसमें ऐड करूंगा जो OH से रिएक्शन कर सके। तो जो OH से रिएक्शन कर सकता है तो उसको मैंने नॉलेज जो यूज की दैट इज H+, मतलब कोई एसिड दे दी। अब इसमें सारे के सारे क्या भरे हुए, H पॉजिटिव भरे हुए ब्यूरेट में आपने, और आपको पता है कि जब ये रिएक्शन होगा तो आपको तो कुछ नजर नहीं आएगा, तो आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, आप इसमें एक इंडिकेटर भी ऐड कर देंगे। तो इसमें पहले आपने इंडिकेटर ऐड कर दिया। इंडिकेटर जो आपको याद रखने हैं वो खास तौर पे जो टाइट्रेशन में यूज होते हैं वो दो हैं, एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनॉल फेथिलीन। तो एक आपके पास मिथाइल ऑरेंज होता है और एक होता है आपके पास फिनॉल फेथिलीन।
एसिड में कलर क्या होता है इनका और बेस में कलर क्या होता है, ये आपको याद करवा रहे थे यहाँ पर। तो एसिड में कलर जो है मिथाइल ऑरेंज का होता है रेड और इसमें होता है येलो, जबकि फिनोलफेथिलीन का कलर इसमें नो कलर होता है, कलरलेस, जबकि यहां पर पिंक होता है इसका कलर। तो इंडिकेटर फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिथाइल ऑरेंज, तो आपके पास शुरू में स्टार्ट में जो कलर होगा इसका वो होगा आपके पास येलो, क्योंकि इसमें बेस है फ्लास्क में, हम फ्लास्क में इंडिकेटर ऐड करते हैं। फिर आप ऊपर से इसको खोलते जाएंगे टैप को, जब टैप को ओपन करेंगे आप कॉपी, जब टैप को आप ओपन करेंगे तो यहां से एच आयंस नीचे आना शुरू होंगे। तो आपको पता है कि ऊपर से जैसी टैप को खोलेंगे तो बस ये दो एच अगर इसमें आ गए ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। आपको इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा जहां पे, और आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी पता थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी यू नो, एंड वॉल्यूम जो है आपके पास टाइट्रेशन से आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप इस दोनों चीजों को यूज करते हुए आप लोग लगा देंगे C into V, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। ये फार्मूला बड़ा फ्रीक्वेंट यूज होगा कॉन्सेंट्रेशन वाला। जब आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि एच आयन के और ओ एच आयन की रेशियो क्या होती है, आप रिएक्ट करवा के देख सकते हैं। तो एक एच के लिए एक ओ एच चाहिए होता है, रेशियो इज 1:1। जो आपके पास इसके मोल्स आएंगे उसी रेशियो से आप इसके मोल्स भी निकाल लेंगे। जब आपको मोल्स पता चल जाएंगे तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन एक पूरे उस डिसिप्लिन में चलेगा क्वेश्चन, उसमें बस आखिरी दो पार्ट में जाके चेंज करता है, बाकी सारे का सारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा। तो अभी मेरी बातों को आप लोग गौर गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। कुछ मैं बातें बोलूंगा उनको साथ साथ लिखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपके पास टाइट्रेशन के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली होता यह है कि ये मास ऑफ कंटेनर विद आयरन है एंड दिस इज मास ऑफ कंटेनर। मैं ऊपर कुछ नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है ये आयरन की परसेंटेज प्योरिटी वगैरह फाइंड करने की कोशिश कर रहा होगा, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन इस माइनस से आपको एक मार्क देने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन वो आपका एक मार्क काट भी सकता है। कैसे काट सकता है? फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को माइनस करने से आपका जो है आंसर आ गया 5, आपने लिख के यहाँ पर 5, आपका हो गया 0 मार्क। अब ये क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि आपके पास जब 2 डेसिमल तक दी ये बात, आपको भी ये लिखना है, मतलब ये नहीं लिखूंगा तो मार्क जाएगा, कंफर्म बता रहा। तो आप लोग इस बात का ख्याल करना है, अगर आपके पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर उसने दिए हैं उतने आपके पास नीचे भी होने चाहिए। इज दिस क्लियर? तो हम सबसे पहले इसको माइनस कर देते हैं, कोई बच्चा जल्दी से कैलकुलेटर किसी के पास है तो माइनस कर दो जरा इसको। 1.44 देखिए आप लोगों का कितना ख्याल करता है, वो ऐसी कभी टेक्निक लगाएगा तो उसके चांसेस बहुत कम है, उसको पता है कि बच्चा तो बिल्कुल सोया हुआ है, मैथ्स तो आती नहीं है, ठीक है। तो वो नॉर्मली ऐसे ही देता है, आपको 2 सेकंड में आंसर आ जाता है नॉर्मली, लेकिन आप ये बात याद रखिए। इसके बाद जो है यहां पर वो कह रहा है कि आयरन वॉज प्लेस्ड इन कॉनिकल फ्लास्क, ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली होता नहीं, कभी आ भी जाता। एक्सेस ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड, आप क्या करें, छोटी सी गंदी सी एक इक्वेशन लिखें, अपना काम बन जाए। Added to flask was warm, iron reacted with sulfuric acid. A gas is produced. अब आप इसको देख के आराम से बता सकते हैं कौन सी गैस है। तो इस गैस का नाम जो है, आपने यहाँ पर इसको complete करते हैं तो आपको पता है कि this will be displacement reaction. ये acid base reaction है। और salt कैसे बनता है? कहते हैं acid का H हटा दो, उसकी जगह पे metal लगा दो, बन गया salt. तो साथ क्या बनेगा इसके? Hydrogen gas. जैसी बेटा आपने यहाँ पे लिखा H2, अब आपका फिर 0 मार्क हो गया। आपको नाम लिखना था, इसलिए ख्याल कीजिएगा, उसको पता है कि केमिस्ट्री का बच्चा बड़ा सुस्त होता है तो पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन मार्क्स कैसे करते हैं आपको बताता जा रहा हूं साथ साथ। इसलिए आपको इसको काट देते हैं, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। अब वो कह रहा है गिव द टेस्ट फॉर दिस गैस। देखिए बच्चा, मैंने आप लोगों को जितने भी लिखवाए, मैंने टेस्ट लिखवाया, ऑब्जर्वेशन लिखवाई है। अब अगर उसने निचले पार्ट में कहा होता, यहाँ पे कहा होता कि टेस्ट लिखो और फिर कहते ऑब्जर्वेशन, तो मैं दिखता दोनों। कुछ बच्चे कहते सर टेस्ट ही तो पूछा था, ऑब्जर्वेशन कहाँ पूछी थी? बेटा एक मार्क के लिए वो आपसे पूरी बात पूछ रहा है, अब उसी बात को आपने कॉम्प्रिहेंड करना है। देखिए मैंने आपको लिखवाया था टेस्ट, लिखवाया था इसका टेस्ट के इंट्रोड्यूस
लाइटेड स्प्लिंटर, फिर ऑब्जर्वेशन लिखा था हमने बर्न विद अ पॉप साउंड, ये लिखवाया था आपको। अब उसी बात को आप चाहे ऐसे करके लिखते हैं, चाहे कॉम्प्लीट कर दे, कॉम्प्रिहेंशन आपको सिखाई जाती है, तो नाउ यू कैन राइट गिव्स पॉप साउंड टू अ लाइटेड स्प्लिंटर। अब वो कह रहा है स्टेट इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, तो दैट इज क्वाइट सिंपल। चले अगर आईने भी पूछ देता हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा वसवसा आता है हमें, क्योंकि इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें। आईने भी बोलता आईने की स्टेट सिंबल देख ले, मैं नहीं लगा रहा जब तक मुझे कहेगा नहीं, क्योंकि ओलिन का बच्चा स्टेट सिंबल नहीं लगा सकता सही, तो जब तक वो आपको बाउंड ना करे आप मत लगाएं। इसके बाद इसने क्या लिखा है, मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं पढ़ा और आगे निकल गए। अब कह रहा है कि व्हाट वाज द कलर इन द फ्लास्क एट एंड पॉइंट, ये मैंगनेट से रिएक्शन करवा रहा होगा, दिस इज अ सेल्फ इंडिकेटर, पोटेशियम मैंगनेट जो है एक सेल्फ इंडिकेटर है। अब इसकी जब टाइट्रेशन होती है आपके पास नीचे क्या होगा, देखिए ये बात याद रख ले कंफर्म, अब आयरन की पहली टाइट्रेशन आ गई, मैं क्या करूं, आपके पास नीचे जो फ्लास्क होती है ना उसमें आपके पास आयरन होगा, और आप हमेशा KMnO4 ऊपर से ऐड करेंगे कंफर्म, मतलब 101% KMnO4 हमेशा ऊपर से आएगा। तो ऊपर जब ये है इसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा, और आयरन कलर क्या होगा, ये इतना पेल, पेल ग्रीन कलर होता है, इतना पेल होता है कि इट लुक्स कलरलेस, ये तकरीबन कलरलेस होता है। और जब ऊपर से एक ड्रॉप आएगा, ऊपर से एक ड्रॉप आके इसका गिरेगा पर्पल का, तो इस पानी में जाके वो डिसअपीयर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, फिर गिरेगा फिर कलरलेस हो जाएगा, क्यों रिएक्शन होता जा रहा है पर्पल टू कलरलेस। एक टाइम आएगा जब सारा आयरन खत्म हो चुका होगा, आयरन टू ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उस वक्त आपका एक पर्पल का ड्रॉप इतने सारे पानी में क्या शेड आएगा, पिंक। तो इसका कलर चेंज जब भी आयरन की टाइट्रेशन आ जाए KMnO4 की, इसका वैसे तो फिक्स्ड है, वैसे तो फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है कि आपके पास हमेशा इसका कलर चेंज आता है कलरलेस टू पिंक हमेशा। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, टाइट्रेशन ऑफ आयरन टू विद KMnO4। तो छोटी वीडियो मिल जाए हमें ताकि हमारा काम हो जाए, यही लग रही है मुझे छोटी सबसे। तो ये आप लोग एक दफा इसको देख लें, क्योंकि अभी तो आप लोग इस कंडीशन में जब ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे तो बोलेंगे यार ये पर्पल कलर होता था, कलरलेस होता था, ये आया कहाँ से कलर। तो इस बात को अगर आपको into the 30 milliliter Al2 sulfate solution in a beaker. ये इसने जो येलो कलर दिया है इट्स नॉट करेक्ट, ये पोटेशियम परमैंगनेट स्पेशली मिली है ना, लेकिन अब पर्पल टू कलरलेस और पर्पल टू पिंक देखिएगा, ऊपर से जो आ रहा है पर्पल से कलरलेस होता जा रहा है, एक टाइम पे जब रोकेगा इसको तो यू कैन सी ये देखें पिंक कलर पे रोक दिया उसने, ऊपर ब्यूरेट में देखें तो कलर पर्पल है, नीचे देखें पिंक हो रहा है, तो ये पिंक पे रोक देगा इसको, तो जो कलर चेंज आता है आपके पास दैट इज कलरलेस टू पिंक आता है। वो असल में उसमें सस्पेंशन कुछ मेडिसिन उसने कोई टेबलेट ली थी आयरन की, फोलिक एसिड वगैरह, तो उसमें वो चेक कर रहा था, उसके साथ चीजें लगी होती जिसकी वजह से उसका कलर कुछ शेड आ रहा था, एक्टिव The tea was run into the conical flask until end point was reached. Aqueous potassium magnate is purple.
iron 2 is pale green. What is the color change in the flask at the end point? Explain your answer. तो ये बातें उसने बता दी हैं कि पेल ग्रीन था पहले, ऊपर से पर्पल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? पेल ग्रीन टू पिंक. रोकना तो उसने उधर है ना, वो तो कलर से रिएक्शन होता जा रहा था. आप वो कह के एक्सप्लेन करो पिंक क्यों, व्हाई नॉट पर्पल. तो इसका आंसर क्या लिखूं? शाबाश शाबाश. क्या नहीं, वो तो हो गया. वो कह रहा है कि पर्पल कलर आ रहा था, पर्पल ही क्यों नहीं रहा, पिंक क्यों हो गया. शाबाश. क्या ड्रॉप ऑफ पर्पल कैमेनोफोर डाइल्यूटेड इन वाटर ऑफ फ्लास्क. तो पानी था ना उसमें नीचे, उसमें जाके डाइल्यूट हो गया, सो कलर बिकम लाइट, इसलिए वो पिंक हो जाएगा. सो टर्न पिंक इंस्टेड ऑफ पर्पल. ये पहली डेडिशन ऐसी आ गई, बन लेती इतनी नहीं होती. ठीक है, तो कभी अगर आ गई आ गई, कोई मसला नहीं. इसके बाद आपके पास ये, आपके पास एक टेबल आएगा, इसमें आपके पास ये ग्लास फेयर वाला पहली दफा नहीं आ रहा, ये आता रहेगा. कभी थर्मोमीटर होगा, कभी मेजरिंग सिलेंडर होगा, कभी पेपर, तो बहुत सारी चीजें आएंगी. अब इसमें कोई अच्छा बच्चा, एस्टेरिक बच्चा भी गलती कर सकता है. क्या गलती कर सकता है? वो गलती ये कर सकता है कि इसको नोट कर सकता है कि 26.9 भी नोट कर सकता है एंड 25.1 भी नोट कर सकता है इस रीडिंग को गलती से. मिस्टेक, सिंपल एरर, सिली मिस्टेक. बावला हो तो तुम्हें पता होगा, बावला होगा कि नहीं मैं देखूंगा तुम्हारे पेपर को. खास तौर पे आप लोगों के पास जब भी कोई ग्लास फेयर आए, आप देखें जिस तरफ इंक्रीज कर रहा है, आप एक छोटा सा एरो बना दें कि मुझे काउंटिंग ऐसे करनी है. अब ये सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी आपको. जिस भी ग्लास फेयर में जो भी कभी टेम्परेचर में, कभी स्टेम ऊपर जा रहा होता है, उसमें टेम्परेचर ऊपर जा रहा होता है, रीडिंग मेजर ऊपर जा रही होती है, इसमें नीचे जा रही होती है, बढ़ रही होती है, तो ये गलती सिली मिस्टेक कोई भी कर सकता है. इसमें जिस तरफ इंक्रीज हो रहा हो तो आपने उस तरफ एक एरो खींचना. फिर आपके पास ये टेबल जब आएगा, इसमें आपसे कहता है देखिए पहले वाले में लिखा है फाइनल रीडिंग. देखिए ये टाइटेशन एक थी, ये इनिशियल है, ये फाइनल है. मतलब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पहली चीज लिखेगा एंड राइट हैंड साइड बाद में ऐसा हो गया. तो आप ए और बी लिखते हैं ना, लिखते हुए इस तरीके से चल रहे होते हैं, तो आपके पास जो चीज बाद में होती है उसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है. इसका मतलब फाइनल ये है, आप फाइनल भरना शुरू कर दें. वन में फाइनल जो है दैट इज 25.1, अगले वाले में है 28.6 एंड अगले वाले में है 37.1. मैंने सारी की सारी फाइनल भर दी पहले. अब इनिशियल पे आता हूं, मैंने इधर लिखा 0, इधर लिख दिया 4.2 और इधर लिख दिया मैंने 12.5 लिख दिया. ये टेबल देखिए आपके पास तकरीबन 3 मार्क का टेबल है, इसको मिला के ना 4 बन जाते. अब करना है माइनस, इसको आपने माइनस कर दिया 25.1, इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा ऐसे ही कुछ, और इधर से आप चलते हैं तो 11.6. मतलब ये देख ले आप लोग, देख लिया, डन हो गया. इसमें बेटा बेस्ट टू रीडिंग्स वो होती हैं जिनमें 0.2 का डिफरेंस आए, जिनमें 0.2 का डिफरेंस आएगा वो बेस्ट होगी. तकरीबन 99.9% 2 और 3 ही बेस्ट होगी. अगर सेकेंड और थर्ड में 0.2 का डिफरेंस नहीं आ रहा, ब्राइट चांसेस कि आपने रीड गलत किया पीछे, आपने यहां पर गलत रीडिंग नोट कर लिया. 99.5% चांसेस क्या है कि सेकेंड और थर्ड में ही 0.2 का डिफरेंस आएगा. इन्हीं को आपने क्या करना है, टिक करना है. अगर कभी ऐसा हो जाए, कभी जो 0.5% चांस रह गए, अगर यहां पर आ जाता रीडिंग होती 24.2, अगर होती तो तब भी मैं इसको नहीं लेता. वजह, पहली रीडिंग हमेशा रफ होती है, उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तब भी मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, सेकंड और थर्ड भी टिक करता. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता कि ये 25.6 आ जाती तो फिर मैं करता,
लेकिन अभी आपको बता दिए कि सेकेंड और थर्ड में 0.2 का डिफरेंस होगा, अगर नहीं आएगा इसका मतलब कि आपका कुछ मसला है, और 0.5% के चांसेस भी वैसे ही, आप इसी बात को पक्का लेके चलो। ये मैंने कर दिया, 3 मार्क का टेबल था, मुझे मिलेंगे इसमें से 2 out of 3। ये क्या जुल्म है? ये जुल्म ये है कि आपने एक भंड मारा है, उस भंड को मैं लिखने जा रहा हूं अलग कलर से, आपको 0.0 लिखना था। ये क्या मुसीबत हो गई? ये इसलिए क्योंकि आपके पास इसकी जो स्मॉल डिविजन होती है वो 0.1 की होती है। अगर आपके पास एग्जैक्टली 4 आंसर आ जाएगा, यू नीड टू राइट 4.0, तो इसका ख्याल कीजिएगा 0.0 का, ठीक है जी? नहीं, 2 जीरो लगाओगे फिर मार्क कट जाएगा। अच्छा, इधर वाला ये 0 काम के नहीं होते, ये आपको बताया होगा किसी ने, शुरू के 0 काम के नहीं होते, लास्ट के 0 काम के होते हैं। आपको ये आपने 0 लिखा, आपको नहीं पता 0.1 0.2 0.3 0.9 क्या है, लेकिन व्हेन यू राइट 0.0 इट इज कंफर्मड कि क्या काम पे स्टार्ट थी। इसके बाद बेटा वो ये नहीं कहता कि शो हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर, लिखा वैसे नहीं, कभी नहीं बोलेगा। तो आपने क्या करना है, मैथ्स के तो माशाल्लाह पास पेपर स्टार्ट हो गए, तो 24.5 लिखे। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, मैथ्स अच्छी है मेरी, बीच का नंबर, ठीक हो गया, कोई मसला? अब जरा सुनिएगा, इसने इसके बाद क्या कहना है। मेरे सामने कुछ है, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पेपर खोला हो, और मैं अच्छा आप लोग को याद हो जाएगा। इसके बाद उसने करना क्या है, उसने आपसे कहना है कि या तो 25 सेंटीमीटर क्यूब में, या उसने आपसे कहना है कि एवरेज वॉल्यूम में मोल्स निकाल दो। एवरेज वॉल्यूम मेरे पास है, मोल्स निकालने के लिए पॉसिबल नहीं चाहिए, वो आपको बताएगा, वो यहां पर बताएगा आपको। और अगर यहाँ पे इस पार्ट में नहीं बताएगा ना, तो शुरू में लिखी होगी, लेकिन उसे निकलवाने भी मोल दिए। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, जरा सुनते जाइएगा। पहला उसने कहना है आपको कि एवरेज वॉल्यूम में मोल निकाल दो। आपने मोल निकाले किस चीज के, KMnO4 के। अब अगला पार्ट क्या आएगा, वो कहेगा KMnO4 के मोल अगर इतने हैं, आयरन के मोल कितने होंगे, इक्वेशन आपको दे देगा। आपसे कहेगा कि एक KMnO4 इतने आयरन के साथ रिएक्शन करता है। फिर आपसे कहेगा कि अब आप बताओ आयरन के मोल कितने, पहले एक के मोल निकलवाएगा HIN के, फिर दूसरी चीज के निकलवाएगा। उसके बाद आपसे पता क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि 25 पे निकालो, पहले निकाले उसमें बोलेगा 250 पे निकालो। तो यहां तक ये क्वेश्चन तकरीबन सारे सीधे जाते हैं, देखते आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब कैलकुलेटर को बंदा जिंदाबाद रखे, जरा कैलकुलेटर जरा जिंदाबाद रखे ना। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम मैंगनेट इन एवरेज वॉल्यूम ऑफ टी। कॉन्सेंट्रेशन बता दी आपको, तो 0.02 लिखा मैंने, 24.5 लिखा, अपॉन 1000 करना मजबूरी है, सही। इसका आंसर आ जाएगा 48.49, 4.9 रेशियो टू पावर माइनस 4.90 रेशियो टू पावर माइनस 4। बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मोल्स के आंसर करने होते हैं, याद आया कुछ बोला था मैंने, अब याद आ गया। इधर चाहे जो चाहे करें, लेकिन आंसर में क्या करेंगे आप लोग, राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 3 कम से कम लिखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या चीज, अपॉन 1000 क्यों किया, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब में था वॉल्यूम, सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। आपको ये फार्मूला अगर याद नहीं है, तो ये था कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला, C = L/V। एन का मतलब मोल एंड वॉल्यूम किस में होता है, डेसिमीटर क्यूब में होता है। अब देखिए ये निकला दिया मैंने आपसे, कहा था ये किसके मोल निकाले आपने, KMnO4 के। अब आयरन के पूछेगा, देखें देखें देखें, पूछे ना आयरन के। अब आपको रेशियो इक्वेशन देगा आपको, क्या इंग्लिश में लिखा है, 5 मोल इसके 1 मोल इसका। तो हमने क्या किया, उठा के लिखा कि KMnO4 रेशियो आयरन 2, यहां पे लिखा 1, यहां पे लिखा 5। उसकी अगर मोल्स आपके पास थे 4.9 × 10⁻⁴, इसको कर दिया एक्स। अब आपको फिर क्वेश्चन आएगा, सर 4.9 लिखा, 0 क्यों लिखा, क्योंकि वो आंसर नहीं है, वो तो मेरी कैलकुलेशन चल रही है। जो बच्चा यहाँ पे आइंस्टाइन की औलादों में से है, जो बच्चा यहाँ पर आइंस्टाइन की औलादों में से है, वो कहेगा सर मैं तो ज्यादा समझदार हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। देखिए ECF होता है, एरर कैरिड फॉरवर्ड। अगर आपने ये पार्ट गलत कर दिया, तो कर दिया, इसका मार्क तो गया,
अगर आपने ये वर्किंग करके नहीं दिखाई उसको तो ये मांग भी जाएगा, सारे आंसर गलत हो जाएंगे। वो क्या देखेगा, अगर आपका ये गलत हो गया काटेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ आंसर लिखे हुए तो सारे आंसर खराब हो जाएंगे क्योंकि मार्क्स काट देगा। इसलिए वर्किंग करें, चाहे रेशो 1:1 क्यों ना हो, आप उसको दिखा दें कि भाईजान ये रेशो, तब उसका आंसर लिखें, फिर आपको इसका मार्क मिलेगा अगले वाले पार्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे गलती होगी, आप चेक कर रहे, आपने देखा बच्चा आगे तो सही कर रहा है, तो मार्क मिलेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर भाई, एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करना था, 0.0245 सेट हो गया जी, यकीन तो नहीं आ रहा लेकिन हो गया सेट। खैर माइनस थ्री, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, जरा करके देख लो, 4.9 एक्सपोनेंट माइनस 4 इंटू 5 0.00245 हो सकता है, नहीं रटे नहीं हुए, माइनस 4 से एकदम माइनस 2 पे कैसे चला गया, तो तुम्हारी मैथ का थोड़ा सा मसला है, ये 0.0025 आप उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा दो, आपको जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की, माइनस 3 बस इतना फर्क आना था, मुझे पता था माइनस 4 से माइनस 3, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चुप करके बैठ जा, मुंह बंद कर ले थोड़ी देर के लिए। अगर बेटा पहले उसने 25 में आयरन निकलवाए, आप कह रहे 250 में निकलवाओ, तो बोला मैथ्स तो आती होगी, तो आपने लिखा 25 में कितने थे, 2.45 एक्सपोनेंट माइनस 3 एंड 250 में कितने हो जाएंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मुझे पता है 10 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप लोग वर्किंग करके दिखाएं, वर्किंग करके दिखाएं, यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक क्वेश्चन हर क्वेश्चन एक जैसे चलेगा, अब आपको कोई टाइप और भी कोई दिखाएंगे हर टाइप, यहां से आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, क्या फर्क आएगा, तो एक दो मार्क का मसला आएगा, हम डिस्कस करते करते खत्म कर देंगे। अब वो कह रहा है कि आप जो है मास निकाले एस का, ऊपर आपने क्या निकाला है, लाजमी हर पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक होता है, अगर कभी लिंक नहीं होगा तो आपको रेफरेंस दे देगा, यूजिंग योर आंसर टू ए या बी ऐसी बात बोल देगा। तो ऊपर वाले में क्या निकाला आपने, मोल्स निकाले आयरन के, ऐसे ही देखो गौर से, इस नंबर को देख लो और इस वर्ड को देख लो, दोनों में फर्क क्या, ऊपर मोल्स है नीचे मास है, ऊपर मोल्स नीचे मास, एक फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन MR, अगर ये यूज करना हो तो कर सकते हैं, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मोल इंटू MR, मोल्स कितने आए थे आपके पास पिछले पार्ट में, MR कितना भाई का, 56 से लगा इसको भाई, इसका आंसर आ गया। अब वो कह रहा है कि A को यूज करो एंड H को यूज करो, H में आपने क्या निकाला है, आपने ग्राम निकाले किस चीज के, S के, जो सैंपल था आपके पास, A में क्या था जाके देखते, A में आपके पास क्या है, आयरन का मास है, ये भी मास है वो भी मास है, तो निकालना क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा अपॉन बड़ा इंटू 100, नहीं अब इन दोनों वैल्यूज में देख ले छोटी कौन सी है, ऊपर वाली कितनी थी 1.44 है, तो 1.44 है, दूसरी वाली आ रही है हमारे पास, तो मैंने लिखा 1.37 अपॉन 1.44 इनटू 100 फॉर आंसर आ गया। जी 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 जल्दी 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 95.13 सेट हो गया। अब हम कोई भी रैंडम टाइटेशन आपके सामने दोबारा खोलने जा रहे हैं, बेटा आप लोग कैलकुलेटर जरा निकाल के रखें और आप जरा देख लें, जरा और शाबाश जल्दी से इसका मास फाइनल कर दे मुझे और आंसर बता दे।
5-4, 5-2, डन, आगे बढ़ते। ये पहले नहीं पूछा, अब पूछ रहा है 25 ट्रांसफर करने के लिए कौन सा पीस ऑफ ऑपरेटर्स यूज करेंगे। मैं बताता जा रहा हूं पिपेट। फिर वो कहेगा विच सेफ्टी आइटम मस्ट बी यूज विद दिस ऑपरेटर्स, सेफ्टी बल्ब, उसके ऊपर एक रबर का बॉल लगाते हैं वो सक करता है, वरना आपको मुंह से स्ट्रॉ की तरह खींचना होगा तो मुंह में केमिकल अगर आ गया तो मस्ता हो जाएगा। वो पूछेगा आपसे, ये बात जो आ गई है तो इस बात को आने देते हैं। मैंने यहां पर कुछ पेज लगाया था, ये पेज आपको भेज दूंगा। ये क्वेश्चन आपके पास फ्रीक्वेंट आना टाइटेशन में। नंबर वन, विच पीस ऑफ ऑपरेटर्स, विच पीस ऑफ ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू ट्रांसफर 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। द आंसर इज पिपेट। दूसरा क्वेश्चन, विच सेफ्टी आइटम मस्ट बी यूज्ड विथ पिपेट। द आंसर इज सेफ्टी बल्ब। इसको पिपेट फिलर भी कहते हैं। मैं अभी इसकी डायग्राम भी आपको दिखाता हूं। फिर वो कहेगा कि व्हाई दिस सेफ्टी आइटम शुड बी यूज्ड। अगर आप इससे फिल नहीं करेंगे तो आपको मुंह से करना पड़ेगा, तो उसी बात को लिखना है। तो हम लिखेंगे आंसर इसका, टू avoid or toxic chemicals entering mouth, or intake of toxic chemical जो है उससे बचने के। इसके बाद उसने पूछना है आपसे color change, color change, ये frequent questions है उसके। कलर चेंज के लिए आपको आंसर में लिखना है FBI, याद रह जाएगा F stands for flask, B stands for burette and indicator। पहले कलर किस चीज का आएगा, जो चीज फ्लास्क में है, बाद में कलर किसका आएगा, जो चीज ब्यूरेट में है। तो FB या फेसबुक याद रख लें या FBI याद रख। यहां पर लिख रहा हूं एक्सेप्ट फॉर KMnO4। KMnO4 में कलर चेंज फिक्स है एंड दैट इज हमेशा कलरलेस टू पिंक, वरना हमेशा जो चीज फ्लास्क में होगी उसका पहले कलर आएगा और जो चीज ब्यूरेट में होगी उसका कलर बाद में आएगा। Is this clear? कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं? लास्ट भी बस मैं भी तो अभी क्या अभी क्वेश्चन के बगैर ये बात समझा रहा हूं तो ये मसला है। इस तरीके से यहां पर आ गई वॉशिंग। आपको ब्यूरेट को और फ्लास्क को वॉश भी करना होता है, तो वॉशिंग जो करनी है ना आपने, आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास फ्लास्क, उसकी वॉशिंग किस चीज से करनी है, और एक आपके पास है ब्यूरेट, उसकी वॉशिंग किस चीज से करनी है। दो केमिकल से करनी होती है। फ्लास्क को हम पहले करेंगे टैप वाटर से,
और फिर उसको करेंगे रिंस करेंगे, रिंस समझते हैं पाक करना, सुखाना नहीं, रिंस का मतलब थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पाक करना, रिंस विथ डिस्टिल्ड वाटर, सेट है। जबकि ड्यूरेट की वॉशिंग होगी आपके पास डिस्टिल वाटर से, ये इसमें केमिकल वो है जिसकी कॉस्टिंग आपको पता है। देखिए आपने 25 दिया, 25 इस क्लास में डाल दिया, अब जितने मोल्स आने थे आगे, जितने पार्टिकल्स, जितनी शुगर आनी थी आ गई ना इसमें, पानी भर दो जो भी, चीनी की क्वांटिटी तो सेम आ गई, आपने पेप्सी ली, पेप्सी उसमें चीनी डिस्ट्रीब्यूटेड है 20 ग्राम है 30 ग्राम, आपने इसकी कुछ क्वांटिटी ली उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया, अब चीनी तो फिक्स होगी ना, पानी डालते हो उसमें, आपने तो मोल्स मोल्स को खेलना हो इसका मसला नहीं है, लेकिन ऊपर से जो आ रहा है उसका वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको डिस्टिल्ड वाटर से कर दिया तो आप जैसे उसमें सॉल्यूशन भरेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वॉल पे तो लगा रह जाएगा। इसके लिए बात डिस्टिल्ड वाटर से आपको उसको वॉश करना है, एंड सेकंड केमिकल जो है वो है रिंस करना है आपको, रिंस विद सॉल्यूशन टू बी फिल्ड। मैं आपको ये बात जरा समझा दूं, अगर आपको कहूं कि ग्लास में आपने दूध डालना है पूरा फुल करना, आपने उसको वॉश किया कुछ पानी अंदर रह जाएगा, आपने जब उसको फिल कर दिया तो क्या सारा दूध, आप कसम नहीं खा सकते। आप क्या करें, सारा दूध करने के लिए दो रास्ते, या तो उसको वॉश करके ड्राई करें पहले, इट विल टेक टाइम, टिश्यू पेपर से टिश्यू पेपर के कंटेंट रह जाएंगे, यहाँ पे माइक्रो लेवल एनालिसिस चल रहा होता है, या एक काम करें आप उस ग्लास को वॉश करें पानी से, उसके बाद थोड़ा सा दूध लेके उसके रिंस कर दें, अब क्या होगा, अब जो आएगा दूध ही है। तो इस तरीके से रिंस किस चीज से करना, ब्यूरेट को वो केमिकल जो इसमें भरना है। तो काम पे आ जाते हैं, ये क्यों जाने देते हैं इसको, तो हम नए पेपर पे आ गए थे बेटा। यहां पे कह रहा है कि नेम द ऑपरेटर्स यूज्ड टू ट्रांसफर 25 सेंटीमीटर क्यूब, हमने लिख दिया पिपेट। अब वो कह रहा है कि कलर चेंज क्या होगा, हमने क्या बताया था, फेसबुक या फ्लास्क टू ब्यूरेट, फेसबुक लिख दिया मैंने, तो मसला देखते क्या बोला, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज बोला, मिथाइल का कलर याद है आपको, एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है, याद रखना है। अब देखते हैं कि क्या किया उसने, उसने कहा है यहां पर कि एस वॉज पुट इन टू द ब्यूरेट, ब्यूरेट में क्या कर, एस एस जाके चेक करेंगे, एस को पढ़ लें क्या है, पक्का, हाँ हाँ सही, देखिए आपने एस को एसिड भी लिख दिया बेटा, मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में क्या होता है, रेड होता है, ढकनो दागो रेड होता है, रेड हो गया, पीछे क्या लिखो, अल्लाह के वली, रेड वाली जगह भी ऑरेंज लिख सकते हो, एंड पॉइंट बोला था उसने, आपको मेरी बात समझ आई, फ्लास्क टू ब्यूरेट, पहले कलर किसका आएगा, जो चीज फ्लास्क में है या जो चीज ब्यूरेट में, ये देखिए आप हर बार आपके पास डायग्राम नहीं बनी होगी, यहाँ पे तो आपको पता है कि एसिड है, यहाँ पे आपको पता है कि बेस इसमें, मेरी बात समझ आ रही है, मैं डायग्राम बनाई आपको समझ आ गया, आपने इंडिकेटर इसमें डाला, आपका कलर येलो था, देखिए येलो आ रहा है इसमें, फिर जब एसिड आके इसको खत्म कर देगा तो रेड हो जाएगा, ये डायग्राम बार बार तो नहीं बनाऊंगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्लास्क का कलर पहले आएगा और ब्यूरेट का बाद में आएगा, दिस इज क्वाइट सिंपल वे, सिवाय KMnO4 पे अप्लाई नहीं होगा, KMnO4 का तो बस सवाब सवाब है, कलर जो पिंक लिखना है, जा चुका, ये हो गया। टेबल फिल करने जाते हैं, टेबल फिल करने का टाइम, शाबाश, ये गलती कोई भी सिली मिस्टेक वाला जो है उससे बचना है आपको, तो कर देते हैं, कोई मसला नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो 25 पॉइंट, नहीं 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 इसमें नीचे हो रहा है, इसमें नीचे हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ टाइटेशन का, अभी आपके पास कुछ आएंगी चीजें, मेजिक टेंडर में ऊपर जा रहा था ऊपर, अबे ढक्कन गिनती करनी है, तुझे नजर नहीं आ रहा 0, 1, 25, 30, 26 इंक्रीज किस तरफ हो रहा है, कसम से बस, ये 25.6 हो गया, 28.2 हो गया, 36.3 हो गया, इनिशियल रीडिंग 0,
नहीं 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 0.0 ढकनो एंड 3.6 5 है एंड 11.4 कोई बच्चा जल्दी जल्दी 25.6 ये तो आराम से हो जाएगा 12 में से 7 और फिर 24.9 और 13 में से 4 गए तो 9 अब इतना मैं मुझे पता है लास्ट टू में 0.2 का डिफरेंस होता है अच्छा जी इन दोनों को टिक करना है लाजमी इसका मिड कितना आ जाएगा अच्छा मैं इसको फिर रोकता हूं यहां पे मैं आपसे दोबारा बोलने जा रहा हूं सुनिएगा सबसे पहले आपसे कहेगा कि 25 पे या एवरेज में मोल्स निकाल दें निकाल दिए फिर आपसे कहेगा इसके मोल्स निकाल दिए अब उसके मोल्स निकाले हम बोलेंगे रेशियो इक्वेशन दे देगा या बता देगा फिर वो कहेगा कि 250 में निकाल दें यहां तक लेके जाएगा आगे जो है उसको आ गया एवरेज बोल रहा है एवरेज में मोल्स निकालो बोला तो आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको एन इज इक्वल टू सी इनटू वी होता है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 वॉल्यूम 24 अपॉन 1000 आंसर आ जाएगा 2.48 × 10⁻³ कौन सी मल्टीप्लाई करना था सेट है ठीक है अगला क्वेश्चन मुझे पता क्या पूछेगा पेपर मुझे नहीं पता क्या पूछेगा किसके मोल्स निकाले आपने आपने किसके मोल्स निकाले अभी अब आपसे दूसरी चीज के मोल्स पूछे जाने देते तो आपको इसलिए कहा था कि एटीपी तो एग्जाम रिजल्ट छोड़ दें एटीपी तो ऐसे चलता है बेटा अब यहां पे इंग्लिश लिख दी उसने कि वन मोल जो है इसका दो मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैंने लिख दिया इंग्लिश में कैसे लिखा कि सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला कहां से आएगा शुरू में लिखा होगा मेरी जान फार्मूला लिखा है तो टेंशन ना ले मुझे पता था तेरी टेंशन का इसने लिखा है कि इसका अगर एक हो तो इसके दो होते हैं पिछले पार्ट में आपने निकाले किसके हैं 2.48 तो 2.48 एक्सपोनेंट माइनस 3 एक्स इसका मतलब हो जाएगा 1.24 × 10⁻³ जादू है सही है यूजिंग योर आंसर टू एफ कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इन 250 तो पहले किसमें निकाले होंगे आपने नहीं लिखा ना 25 में निकाले थे टाइट्रेशन में होता ही ये कि फ्लास्क में 25 डाले जाते हैं लिपिड से हमेशा और ऊपर से एवरेज आता है देखिए पहले मोल्स आपने किस चीज में निकाले हैं एवरेज में मेरी बात समझ आ रही कि नहीं मैं दोबारा बोल रहा हूँ फ्लास्क में कितना होता है 25 ऊपर से जो आता है वो क्या होता है एवरेज होता है इन दोनों की लड़ाई होती है ना अगर ये एवरेज है तो अगला वाला वॉल्यूम अगला जो रीजेंट होगा वो कितने में होगा 25 में होगा लाजमी बात है इसे 250 पूछ रहे आपसे हाँ ना भी लिखे तब भी तो 25 इज इक्वल टू वैसे देख लेते हैं कितना टाइट्रेट किया उसने ये लिखा है 25 वाज ट्रांसफर टू फास्ट वैसे भी पिपेट का क्वेश्चन ही करके आए थे हम लोग 25 तो याद था तो 25 में आपके पास है 1.4 × 10⁻³ तो 250 में हो जाएंगे x तो आंसर 1.24 एक्सपोनेंट माइनस 2 हो जाएगा देख मेरी पता मुझे भी पता है मेरा भी लिखने को दिल नहीं करता मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ पीसीए में या तो आर पार के गेम कर जाओगे आप लोगों फॉर एग्जांपल आप सिर्फ आंसर लिखते जा रहे हैं तुम्हें क्या पता तुम्हारा आंसर ये सही है कि नहीं एग्जाम वाले दिन तुम्हें क्या पता तुम्हारा आंसर ये सही है या नहीं गलती तो इंसान से होती है ना मतलब मैंने 2 मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 1.24 मैंने गलती से मतलब इंसान है गलती से 2.24 लिख दिया आगे सारा गलत हो जाएगा लेकिन ये वर्किंग की होगी तो बच जाओगे तो बचो फिर सारे मिलेंगे एक कटेगा बस एक कटेगा जो कटना वो आपको आपको फॉलो करता है बेटा आप कह रहे हैं रिलेटिव कैलकुलेटर रिलेटिव मास ऑफ दिस सब कुछ तो बता दिया उसने खेले मतलब क्या कर रहा है पैसे दे रहा 23 × 2 सोडियम का मास 23 होता है तो दो एटम है कार्बन 12 एक ही एटम है और 16 × 3 106
भाई याद है ना, एमआर तो याद है ना यार, सोडियम कार्बोनेट का मुझे यार, कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा अच्छा याद करके आए, याद करके आए यार। अब कह रहा है बेटा जरा सुन, जी को यूज करो और एच को यूज करो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन टू जी में क्या निकाला आपने? मोल निकाले किसके? सोडियम कार्बोनेट के 250 में। आ जाओ एच में क्या निकाला, एम आर। जब मोल्स भी हैं एम आर भी हैं तो मास ही तो पूछ रहा होगा आपसे। मोल्स भी हैं, इधर आपने मोल्स निकाले, इधर आपने एम आर निकाला, अब आपसे क्या पूछ रहा है? मास। कोई फार्मूला है तो मोल इज इक्वल क्या होता है? मास अपॉन एम आर। आया याद कि नहीं आया? तो आपको चाहिए क्या मास? तो मास किसके बराबर हो जाएगा? मोल इंटू एम आर के। मोल कितने थे? 1.24 माइनस 2 एंड एम आर कितना है? 106। मारो मेरी बात सुनो इस क्वेश्चन का, जरा देखो जरा कि कैसे आपको मार्क्स दे रहा है। शर्म आ रही है, मतलब लिखा वैसा आप माइनस कर लिखा हुआ है, थोड़े से भाई सबट्रैक्टिंग का मतलब माइनस करने में। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन वाटर, कर दो माइनस 1.314 3.52 अरे तू इसको तो कर यार, कितना 2.21। आप देखो तो सही, मैं करूं तो क्या करूं, देखो कैसे मार्क्स दे रहा। तुम मुझे देख रहे हो, तुम देख रहे हो, समझ आ रही है? मतलब फार्मूला में ये दो, ये आपको ये वाला मार्क बांट के गया, ये वाले मार्क्स भी बांट के जा, नहीं जा रहा बांट। अरे भाई ये जब अच्छी स्पीड होगी तो आपको 30-35 मिनट में करना है पेपर, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग सिर्फ बैठ के इस पर चेक मारना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बेटा आंसर एच का लिखना आपको, और फिर आंसर टू जे लिखना है, डिवाइड करना है आपके पास एक्स को, डिवाइड जे का। और जब ये आ जाएगा आपके पास, अब वो कह रहा है कि फार्मूला ऑफ सोडियम ये उसने लिखा था शुरू में हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, एक्स की वैल्यू आपसे लिखवा दी आप, ये लिखना आपको एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको लिखते हैं। नहीं समझ आएगी? एक्स की वैल्यू पीछे आ जाएगी, 1, 2, 3 जो भी है वो इस पे लगा देंगे, बस ये फार्मूला उसको दे देंगे, खुश हो जाएगा इस पे। कुछ बात समझ आ रही है? अच्छा आप हमने पहली ट्रेडिशन में थोड़ा टाइम लगा, दूसरी थोड़ी सी जल्दी हुई, कुछ और बोला था, एक और जल्दी हो जाएगी भाई। एक चीज में तो फ्लो बने ना, ढक्कन जर्सी बेंच मंगवा दी। बेटा कोई तैयार हो? बोले तैयार हो, चले चलो 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 चलो, कैलकुलेटर हो भाई जिंदाबाद, जल्दी से कैलकुलेटर उठा। तो डायरेक्ट कर 1.6। हाँ हाँ सही, हाँ 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 हो गई, किस्मत में थी। अच्छा ना, अच्छा द आयरन वाज प्लेस इन पॉलीक्यूल क्लास, भाई आयरन KNO4 की ट्रेडिशन आ गई मजे से। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वार्म सल्फ्यूरिक एसिड, सजेस्ट व्हाई इस फ्लास्क इज वार्म। अब बताओ केमिस्ट्री है, नॉर्मल क्वेश्चन हट गया। बोला फ्लास्क को वार्म क्यों किया? ये ऊपर लिखा है उसने, जब वो रिएक्शन करवा रहा था ना, द फ्लास्क वाज वार्म। भाई वार्म क्यों करते हैं, हीट क्यों करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा क्यों करते हैं? सही है,
The gas was produced. किस किस का रिएक्शन करवाया उसने? आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड से. इक्वेशन भी पूछी होगी किसने कहीं? पूछी नहीं है, बहरहाल तैयार हो गए. तो H2SO4 एंड आयरन. हाइड्रोजन लिखना सही है ना? हाइड्रोजन. ठीक है. बर्न विद ऑफ साउंड. इसके बाद वो कह रहा है कि विच पीस ऑफ ब्रेटस. अच्छा यहाँ पे चले नहीं लिखना है, टू लाइट इट्स फ्यूचर. अब कह रहा है व्हेन ऑल द आयरन वाज रिएक्टेड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज कूल्ड एंड मेड टू 250 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल्ड वाटर. दिस सॉल्यूशन वाज एस. विच पीस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू प्रिपेयर एस. ये मैंने भी नहीं पढ़ा, ऑपरेटर मैंने पढ़ा ही नहीं है. 250 के लिए जो बोतल 250 सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते ना, इस बोतल को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है डाइल्यूशन के लिए और सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं. जो तुम वो वाली कॉनिकल फ्लास्क की बात कर रहे हो वो ये होती है, ये डाइल्यूशन के लिए यूज होती है. चलो चलो चलो, मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ. ये नहीं पता था ना, कोई टेंशन नहीं, मैंने अभी ऑपरेटर्स नहीं करवाए. 25 को ट्रांसफर करने के लिए ऑपरेटर्स बोलो. अच्छा ना अच्छा ना अच्छा ना अच्छा ना. कलर ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन योर आंसर. इसमें तो कुछ नहीं है. फ्लास्क टू ग्रीन. कलर कलरलेस टू पिंक. देखो पहली दफा आया था, मैंने बड़ा इंग्लिश लिखी थी. अब मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा ज्यादा, मैं लिखूंगा ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ पर्पल कलर. पर्पल कलर डाइल्यूट हुआ तभी तो पिंक हुआ. इसकी रीडिंग एज्यूम कर लूं मजाक मजाक में 24.3 लिख दी. भाई भर तो लोगे ना टेबल, टेबल तो भर लोगे. आप मुझे बताओ, मुझे बताओ. नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तुम देख लो पहली रीडिंग देख लो. 24% देखा पहले. अब क्या पूछेगा वो? देखो वो अभी तो कह रहे हो लगाओ. पहले क्या पूछेगा? बोलेगा मोल बताओ. पहले बोलेगा मोल, उसके बाद क्या पूछेगा? उसके मोल बताओ दूसरे वाले का. इक्वेशन दे देगा. तीसरा 250 में बस ये खेलता है. चले किस में मोल पूछिए? एवरेज में. फॉसिल बता दी भाई ने, तो सी इंटू वी कर दूं तो एन आ जाएगा. 0.202 इंटू 24.3. बेटा इसका आंसर एक्यूरेट नहीं है. 24.3 तो जल्दी में किया, कोई वैल्यू नहीं गई. तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा और -4 आंसर आ जाएगा. एक मोल 5 मोल इसका, एक मोल इसका. चलो इसको उतारो एक, इसको लिखो 5, इसको लिखो 1. पीछे आप कितने निकाल के आए आयरन के? 486 थे. ऐसा ऐसा नहीं नहीं कुछ भण मारा हूं मैं. ये आयरन के मोल थे, मैग्नेट के मोल थे, ये मैग्नेट के मोल थे. तो ज्यादा जज्बाती हो गए थे. तो 4.86 × 10⁻⁴ यहाँ आएगा, यहाँ x आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा ही है. 25 दे रही है इंग्लिश में, 250 पूछ रहा है. ठीक है आप कम से कम लिख दो 25 में इतना, तो 250 में कितना? 2.43 - 3. मेरा भी दिल नहीं करता लिखने को लेकिन मजबूरी. 2.43 × 10⁻², मतलब औकात देख रहे हैं वो कौन सा पेपर था, ये कौन सा पेपर है. मास, हाँ एमआर से मल्टीप्लाई करना है.
तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर होता है, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, मोल इंटू एम आर के। एम आर बता दिया 56 और मोल आप पीछे निकाल के आए 2.43 एक्सपोनेंट माइनस 2 मल्टीप्लाई मास 1.361। आप यकीन करें वो अगर नहीं है लेकिन पूरा क्वेश्चन डिटो कॉपी आ गया। चले ये भी छोटा ही है, बड़ा विषय होगा 1.44। आपको बता रहा था मैंने कितने से कितना था, इससे बढ़ भी सकता है। इज दिस क्लियर ना? नाउ टेल मी हाउ वी कैन सॉल्व द शीट। आप लोग कैसे करेंगे शीट का सॉल्यूशन, कैसे करेंगे शीट? अगर मैं भेजूं आपको उसकी तभी सॉफ्ट कॉपी आएगी आपके पास, फिर आप लोग बहाना कर लोगे। देखो अभी शीट पहुंचाना भी मेरे लिए मस्ता हो जाएगा ना सबके लिए।